चालू के बाद में ये हो गया, ये यहाँ से छोटी वीडियो बनानी ये चल रही है, ये हटा रहे हैं हम, फेशियल कर रहे हैं। और ये आयुर्वेद का फेशियल है IMC का, अभी हमने ब्लीच की है, ब्लीच के बाद में भी फेशियल करेंगे, फिर दिखाएंगे, आप देखना। तो आपका बहुत हल्का सा है, दिल बहुत रहा है। बात नहीं, आप उसको करो, हटाओ, चालू कर दो, फिर बंद कर देंगे। एक मिनट, फिर कुछ सेकंड के बाद में कपड़े से पहुंचने में जल्दी। ये IMC का फेशियल है, अभी हम क्लींजअप करने जा रहे हैं, ये क्लींजअप हो रहा है, स्टॉप। दो दो चार चार सेकंड कर लेना, ज्यादा नहीं लेना। स्टॉप कर दोगी, बस रोक दो अभी क्लींजअप तक। कटे रखे हैं घर पर कपड़े? हाँ सही तो है, जरूरी है तो वैसे ले रखी, देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है। क्लींजअप हो गया है, अब ये ना स्क्रब है, IMC की ये स्क्रब इस्तेमाल करेंगे। हमारे दौरानी है, भाग का शादी करिए हमारे देवर में। स्क्रब हो गया है, स्क्रब होने के बाद में अब हम इसको क्लीन करेंगे। दिखाई दे रहे तुम्हें? तीसरा स्टेप मसाज क्रीम IMC की ही है। लेते नहीं, मैंने लिया है। अगर आपको अच्छा चेहरे पे ग्लो चाहिए, मसाज को अच्छे, क्योंकि क्रीम कई बार थोड़ा सा थिक होती है, मतलब टाइट वन होती है ना, तो उसमें पानी मिलाने की बजाय अगर आप गुलाब जल मिला लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फेस पे ग्लो भी अच्छे से आता है, दाग धब्बों में भी फर्क पड़ता है, सॉफ्टनेस भी रहता है। जैसे कि अब जो सूख गई है, तो सूखने के बाद में पानी लेते हैं, पानी की बजाय गुलाब जल ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रात को लगा लो तो भी सही रहता है। अगर हम गुलाब जल को रात में लगा के सोए फेस पे, तो हमें क्या? गुलाब जल लगा के सोए मगर खाली गुलाब जल से इतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। ग्लिसरीन डाल के, ये ग्लिसरीन वैसे सॉफ्टनेस वगैरह आएगी, पर उससे बेटर है ये हमारा, हम जो कर रहे हैं IMC का जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, आप इसका IMC का एलोवेरा जेल और उसमें दो बूंद तुलसी की मिला के रात को अप्लाई करके रात को सो जाइए, और सुबह तक देखिए आपके चेहरे पे ग्लो भी आएगा, और धीरे धीरे जो भी आपके चेहरे पे छाइयाँ दाग धब्बे निशान आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। मसाज करते करते आपके क्रीम पूरी चेहरे के अंदर चली जाए, अगर चेहरे के अंदर चलेगी तो समझो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे, कम हो जाती है, सूख जाती है, तो फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल आप फिर ले सकते हैं, जैसे कि ये रखा हुआ है।
खोलना पे ये हमारी मसाज पूरी हो गई है। चौथा स्टेप एलोवेरा जेल। कई बार फेशियल कराने के बाद चेहरे के ऊपर हल्के हल्के से दाने स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि स्किन के अंदर जो भी डेड पड़ी होती है, जो गंद होता है, वो उभर के बाहर आता है। जब हम इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते हैं तो इन प्रोडक्टों की मदद से जो भी अंदर का टूट फूट होती है, गंदगी होती है, वो सारी उभर के ऊपर आती है। उसकी चिंता ना करें, जैसे होने के बाद में थोड़े टाइम के बाद में वो रिलैक्स हो जाता है और चेहरा अपने आप साफ हो जाता है। जब तक गंदगी फूलेगी तभी तो बाहर आएगी, है ना, तो उससे आपके शरीर के बाहर के साथ साथ अंदर की भी सफाई हो जाएगी, और जब अंदर की सफाई हो जाएगी तो ये बीमारी है, परेशानी है, दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स से वो नहीं आएगा। कि बीमारियां शरीर को पकड़ लेती हैं। आपका फेशियल हो चुका है, मसाज हो गया है, अब ये आपका फेस पैक लगाया जाएगा। अभी तो तीन स्टेप हुए थे। रोको रोको, कपड़ा सामने से लूंगी, पकड़ नहीं हूँ, तुम कैसे लौटा के लाओगे, कहाँ से लौटा के लाओगे, स्टॉप करना। अब ये फेस पैक है, इसके अंदर हल्का सा आप गुलाब जल मिला लीजिए, क्योंकि ये ठीक होता है। पुछ करके चलाए करो, ज्यादा होता है। अच्छी लग रही थी पर नहीं।